आंदोलन एजेंडा गायब है, सिर्फ नेता बनना है, हुक्मरान बनना है, किस दिशा में दलित राजनीति है? क्योंकि आप दलित समुदाय से भी आते हैं, इसलिए आप बारीकी चीज देखते हैं, समझते हैं। आप कह रहे थे ना कि हुक्मरान बन जाएंगे, उसी के बाद कोई चेंज होगा, तो जीतन राम मांझी जी तो थे मुख्यमंत्री एक जगह, तो उसमें कोई बहुत मेजर चेंज तो उसके बाद मुजहर कम्युनिटी के लोगों में देखा नहीं गया है? स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, एकजुट इन लोग को होना पड़ेगा। एकजुट के लिए निश्चित रूप से जो पैन इंडिया अलायंस है, खासतौर से जो इस समय बन रहा है, उस पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कुछ समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन एजेंडा के साथ कि हमारे ये प्रमुख एजेंडे हैं, दलित माइनॉरिटीज ओबीसी के एजेंडे हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। यदि वो कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से खुले मन से सहयोग करना चाहिए, जिससे देश में एक ऐसी सरकार बने जो खासतौर से वंचित समाज के हकूक का ध्यान रखे। और जो पुराने नेता थे, कद्दावर नेता थे बीएसपी में, वो दल छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे दलों में चले गए। अब नए सिरे से बीएसपी को अपने आप में देखना पड़ेगा, उसमें आप चिंतन करना पड़ेगा। अभी हाल ही में आप लोगों को पता चला होगा कि बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो उत्तराधिकारी घोषित करने से, चूंकि देखिए राजनीति में उत्तराधिकारी घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग करते हैं, मगर अनुभव तो नहीं है उनको, अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े वो। जो स्टेट के जो लीडर्स हैं, जो राज्य स्तरीय लीडर थे, जो केंद्र सरकार, जो केंद्र के नेताओं के जो खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उसके बाद जो दूसरे लाइन की जो नेता हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, टोटल जो हमें जहां तक लगता है जो आज़ादी के समय जितने भी जो वहां चुनाव लड़े, वो ज़्यादातर राजा ही थे। 550 राजाओं को आपस में मिलाया गया था, तो वो राजा ही चुनाव लड़े। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है राजाओं का गढ़ है, तमाम किले बने हुए हैं, तो उनके जो परंपरा के लोग हैं तीसरी पीढ़ी के, उन लोगों ने टिकट का वितरण किया, और टिकट के वितरण में हमें लगता है कि अपने चहेते लोगों को दे दिया। जो खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जो जाति जनगणना का जो रेशियो बनाया था, उस रेशियो में टिकट का वितरण ही नहीं हो पाया। पिछड़ा वर्ग जो है वो कई जगह बटा हुआ है हमारे प्रदेश में। अच्छा। अलग अलग तरीके से, कुछ समाजवादी में है, कुछ बीएसपी में भी है, और कुछ बीजेपी में भी है। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए बराबर बटे हुए हैं, और अपने वर्ग के लिए एक का एक होने में उनको दिक्कत आ रही है, निजी स्वार्थ उन पर हावी है। मछली भात और दलितों की कुछ समस्याएं, चावल और सलाद एडिशन में। और पहले बैकग्राउंड बता दूं कि अन्याय के खिलाफ पीड़ित लोग या गरीबी के खिलाफ गरीब लोग सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ सकते, पूरे दुनिया का इतिहास है कि जो बुर्जुआ होते हैं, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, मिडिल क्लास, वही संघर्ष करते हैं, वही संघर्ष को नेतृत्व देते हैं। इसलिए दलितों की कहानी सिर्फ रोने गाने की नहीं है, और खाने की भी है, हंसी खुशी की भी है, संघर्ष की भी है, सफलता और असफलता दोनों की भी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। आज मैं बैठा हूँ लखनऊ में इंजीनियर आर बी बॉस साहब के यहाँ। कई बातचीत आप इनसे देख सुन चुके होंगे अम्बेडकर नाम पर, और उन्हीं के घर पे दावत है, कई खास मेहमान साथ में हैं। लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं देवेंद्र सिंह यादव साहब हैं यहाँ पर, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा अम्बेडकर नाम पर आप सुनते ही हैं, डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर मिदुषा माधुरी मिदुषा, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित नाम है और सटायर बहुत बढ़िया करती है। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले, चूंकि आर बी सिंह साहब आंदोलन से निकले हुए हैं और इनकी खास और पहचान है कि पूरा कॉलोनी लैंड डेवलपर हैं, कॉलोनी बसाते हैं, नौकरी नहीं की, कांशीराम जी के साथ आंदोलन में जुड़े रहे, और जमीन और मकान सिर्फ उसी व्यक्ति को देते हैं जो अंबेडकरी खुले विचारधारा के लोग, ये इनकी खास पहचान है। नंबर डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। तो
कांशीराम राम जी के साथ इनका ट्रेनिंग हुआ और अभी कांग्रेस में, कांग्रेस में तीन राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई है, काफ़ी एक्टिव हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि पराजय क्यों और कैसे हुई, क्या कमजोरियां रही, और दूसरे एपिसोड में बात करेंगे दलित राजनीति किधर, किस दिशा में। बहन जी उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश और देश का दलित क्या सोचता है, दलित नेता की मुक्ति जरूरी है या समाज की मुक्ति जरूरी है, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। शुरू करते हैं बहुत साहब से, बहुत साहब बहुत शुक्रिया, और हम सारे दोस्तों की ओर से बहुत ही शानदार खाना है। दूसरा मछली कैसी है? बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, अम्बेडकर नामा के सभी श्रोताओं को सबको जय भीम नमोदार। अभी पार्टी तो हार गई, आप बहुत दुखियाली देकर भाग रहे थे। एक्चुअली सर ऐसा है कि मेरा अपना एक उस पर मैंने बहुत शोध किया, सोचा कि पार्टी क्यों हार गई, चार पांच राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुद्दा उठाया था बहुत शानदार मुद्दा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे और सबको जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उसमें नौकरी भी है, जमीन भी है, सब में हम जनसंख्या के अनुपात में बांटेंगे। लेकिन जो स्टेट के जो लीडर्स हैं, जो राज्य स्तरीय लीडर थे, जो केंद्र सरकार, जो केंद्र के नेताओं के जो खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उसके बाद जो दूसरे लाइन की जो नेता हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, टोटल जो हमें जहां तक लगता है जो आज़ादी के समय जितने भी जो वहाँ चुनाव लड़े वो ज़्यादातर राजा ही थे, 550 राजाओं को आपस में मिलाया गया था, तो वो राजा ही चुनाव लड़े। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है राजाओं का गढ़ है, तमाम किले बने हुए हैं, तो उनके जो परंपरा के लोग हैं तीसरी पीढ़ी के, उन लोगों ने टिकट का वितरण किया और टिकट के वितरण में हमें लगता है कि अपने चहेते लोगों को दे दिया, जो खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जो जाति जनगणना का जो रेशियो बनाया था उस रेशियो में टिकट का वितरण ही नहीं हो पाया। और आपको लगा होगा कि अभी देखिए कल डिसीजन आ गया है कि राहुल जी ने जो है वो जो प्रदेश का लीडरशिप है जो आपस में लड़ाई करते थे उनको हटा दिया है, ओबीसी के लोगों को, आदिवासी लोगों को, बहुत सही डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह फेरबदल हो रहा है और ये चीज़ें जमीन पे नीचे तक आ नहीं पाई। अब वो नीचे तक आएगी 24 में, बूथ स्तर तक वो बात आएगी, बूथ स्तर तक पदाधिकारियों का चयन होगा, जो जाति अनुपात में पदों का वितरण होगा, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, और टिकट का वितरण भी उसी अनुपात में होगा। अच्छा जी, तो मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस होगा, जिला अध्यक्ष कह रहे हैं नहीं होगा। हाँ हाँ, बात यही रही, बात यही रही, जो राज्य स्तर के नेता थे और जो जिले स्तर के नेता थे वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे उनसे मत भिन्नता थी जो नीचे तक बात उतर नहीं पाई थी। अच्छा जी जी, तो देवेंद्र जी, जी आप तो देवेंद्र सिंह यादव जी एडवोकेट भी हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, सपा बसपा भाजपा है, सपा का भी ओपोजिशन पार्टी है, बसपा का एक विधायक है, पिछड़े वर्ग की राजनीति में क्या चल रहा है हलचल? देखिए पिछड़ा वर्ग जो है वो कई जगह बटा हुआ है हमारे प्रदेश में। अच्छा, अलग अलग तरीके से, कुछ समाजवादी में है, कुछ बीएसपी में भी है और कुछ बीजेपी में भी है, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए बराबर बटे हुए हैं और अपने वर्ग के लिए एक होने में उनको दिक्कत आ रही है, निजी स्वार्थ उन पर हावी है। जब तक पिछड़ा वर्ग एक साथ नहीं आएगा तब तक पिछड़े वर्ग का उत्थान बहुत मुश्किल है। अब रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो समाजवादी पार्टी के पास तो खैर संगठन है, देश स्तर पे मजबूत भी है पूरे, क्योंकि क्या नाम की क्षेत्रीय पार्टी है तो मजबूत भी है, मगर कांग्रेस के पास यहाँ संगठन के नाम पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है उनके खाते भी नहीं। कांग्रेस को जी क्या बात है, बैठो, दो दो पीस फिश के खा लिए। कांग्रेस को पहले मछली खाओ, चावल मत खाओ, अपने संगठन के बनाने के ऊपर जोर देना पड़ेगा, और अगर जब तक उनके पास संगठन नहीं है तब तक उनको जो उनसे आगे हैं उनका साथ देना पड़ेगा, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए। इसी तरीके से बसपा का है,
उनके पास तो संगठन है मगर इधर काफ़ी दिनों से कमज़ोर हो गया संगठन। अच्छा। जो पुराने नेता थे, कद्दावर नेता थे बीएसपी में, वो दल छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे दलों में चले गए। अब नए सिरे से बीएसपी को अपने आप में देखना पड़ेगा, उसमें आप चिंतन करना पड़ेगा। अभी हाल ही में आप लोगों को पता चला होगा कि बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो उत्तराधिकारी घोषित करने से, चूँकि देखिए राजनीति में उत्तराधिकारी घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग करते हैं, मगर अनुभव तो नहीं है उनको, अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े वो। आनंद आकाश, क्या नाम है, आकाश आनंद, आकाश आनंद। तो अब उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक पुराने बसपाई लौट के नहीं आएंगे बसपा में, तब तक बसपा को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में भी मैं चाहूँगा कि बहन जी के पास अगर अपना नहीं इनका कुछ है, तो जो पार्टी आगे चल रही है उसका साथ दें, और किसी तरीके से दलितों और पिछड़ों की सरकार बनने में उनका सहयोग होना चाहिए, उनको करना चाहिए। सरकार बने की एजेंडा भी हो, एजेंडा भी हो। वर्मा साहब, मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपस में एक गठजोड़ बनाए, वो उसके तहत काम करें। वर्मा साहब जी, आप तो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, दलित समाज से भी आते हैं, तो क्या चल रहा है हलचल? कांग्रेस पहले कहते थे कि सरकारी दामाद हो गया, कांग्रेस के राज में दलित लोग सरकारी दामाद हो गया था, तो अब क्या कर रहा है आरएसएस बीजेपी वाला, क्या कर रहा है? हाँ, उसे दामादगिरी करवा रहा है। नहीं, इस समय तो ये समझ लीजिए जितना जो कुछ हुआ था, जितना पाया था, वो रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया है। और यदि ऐसा ही माहौल रहा और ऐसा ही लोग रिएक्ट करते रहे, तो कम से कम ये समझ लीजिए वो दिन दूर रहे, 10 से 15-20 साल तक, मैक्सिमम 20 साल मैं पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जिसके लिए इतने संघर्ष हुए, फुले अम्बेडकर, पेरियार साउथ में, इधर सब जगह से लेके ब्रह्मान काशीराम का, ये सब ने जो संघर्ष किया वो पूरा एकदम टूट जाएगा, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, वहीं पहुँच जाएंगे स्थिति को। तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, एकजुट इन लोग को होना पड़ेगा, एकजुट के लिए निश्चित रूप से जो पैन इंडिया अलायंस है, खासतौर से जो इस समय बन रहा है, उस पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कुछ समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन एजेंडा के साथ कि हमारे ये प्रमुख एजेंडे हैं, दलित माइनॉरिटीज ओबीसी के एजेंडे हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। यदि वो कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से खुले मन से सहयोग करना चाहिए, जिससे देश में एक ऐसी सरकार बने जो खासतौर से वंचित समाज के हकूक का ध्यान रखे और उनके साथ चल सके, उनको अच्छा महसूस करें कि ये देश उनका है, इस देश में वो सुरक्षित हैं, इस देश में उनको सम्मान मिला है। ये लड़ाई बहुत पुरानी है और इसके लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है, और जो हमारे राजनीतिक रहनुमा बने हुए हैं उनको अपनी सोच पर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। एक चम्मच, और एक इसका देश का और राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि जब भी कोई बड़ा नेता हो जाता है तो वो जो रिसर्च वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि ये मुद्दे थे या अवधारणाएं थी, ऐसे परिवर्तन हो रही हैं, इसमें सुधार की ज़रूरत है, वो तो सुनना ही नहीं चाहते। अब दलित लोग कह रहा है कि हुक्मरान बन जाएंगे तब समस्या का समाधान करेंगे, हैं, एक ही बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब सब समस्या का समाधान, इस चक्कर में जो मिला था वो भी गायब हो रहा है। वो बिल्कुल गायब हो रहा है, गायब हो जाएगा पूरा एकदम। ये लास्ट जनरेशन हम लोग की है जो नौकरी पाई है, ये समझ लीजिए। इसके बाद जिस हिसाब से सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है और भी जो खासतौर से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, आपके पास नौकरियां बचेंगी नहीं, नौकरी बचेंगी नहीं तो क्या, नौकरियां है नहीं है तो हम नौकरियां दे कहाँ से? आरक्षण तो एकदम अब केवल दिखाने के लिए रह गया है, कहीं पर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो रहा है, और है भी नहीं नौकरियाँ, धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही हैं। विश्वविद्यालय जैसे संस्थान, जो पब्लिक सेक्टर के विश्वविद्यालय संस्थान थे, जहाँ पे हम जैसे गरीब घर से आए हुए लोग पढ़ लिख सके, आप जैसे भी, वो संस्थाओं की फीस इतनी बढ़ रही है
कि जिससे सीधा सीधा इम्पैक्ट वैसे वर्ग को जा रहा है जो सही में हायर एजुकेशन के तुरंत में जा सके। तो सरकार बड़े प्लानिंग के साथ चल रही है, जो आरएसएस का एजेंडा है वो चल रही है। नायक पूजा में विश्वास कर रहा है, मूर्ति पूजा में थोड़ा बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब को पढ़ भी लेते हैं, तो उन्होंने पहला जो बात वो कही है राजनीति में आने से, आप जब तक नायक पूजा यदि आपने करने लगे तो समझ लीजिए वो आंदोलन आपने धराशायी कर दिया। और नायक पूजा सबसे खतरनाक चीज है। आप नायक पूजा हम कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि अंदर भक्ति भक्त भक्त आने लगे सरकार में कि जो मोदी और भक्त हैं, भाई भक्त मतलब फॉलोवर, जिसने कह दिया सही गलत क्या है बिना विश्लेषण किए सीधे सीधे उसके अनुभक्ति की तरह पीछे चल दिए। तो आप नायक पूजा कभी भी मत कीजिए। बाबा साहब को आप भी बार बार ये चीज़ कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, उस बेचारे चीज़ को अपने उसमें अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। सिर्फ मूर्ति बना के पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगाने से बाबा साहब की जश्न मना लीजिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जश्न आप मना सकते हैं, प्रतीकों की राजनीति का महत्व होता है, लेकिन उस प्रतीकों की राजनीति को आगे करके आपके सब अधिकार जब छिनने लगे तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। चलिए तो मृदु झा, आप जे में पढ़ी हैं, डी में पढ़ी हैं, लखनऊ में रहती हैं, लिंग्विस्ट भाषा शास्त्र पढ़ाती हैं, अंग्रेजी की टीचर हैं, ये पूरा जो दलित पॉलिटिक्स से सेंटर है उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई है, सोशल जस्टिस की बात करते हुए, कास्ट सेंसस की बात करते हुए, और एक तरह से दलित पॉलिटिक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एज ए सोशल साइंटिस्ट लिंग्विस्ट हाउ डू यू सी दैट? बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जैसे जो कि आप कह रहे थे ना कि हुक्मरान बन जाएंगे उसी के बाद कोई चेंज होगा, तो जीतन राम मांझी जी तो थे मुख्यमंत्री एक जगह, तो उसमें कोई बहुत मेजर चेंज तो उसके बाद मुजहर कम्युनिटी के लोगों में देखा नहीं गया है। और इनफैक्ट आज इस तरह की हालत हो गई है कि उनको अपनी पॉलिटिक्स सर्वाइवल के लिए करनी पड़ रही है कि जिंदा रहे पार्टी, इसके लिए मात्र भाजपा के साथ उनको जुड़ना पड़ रहा है। लेकिन मुझे इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरे सिचुएशन में दोष और थोड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की भी लगती है और कांग्रेस की भी जैसे बड़ी पार्टियों की लगती है, क्योंकि अगर उन्होंने वो स्पेस अपने ही पार्टी के बीच में माझी जी जैसे लोगों को दिया होता, माझी जी की कम्युनिटी को दिया होता, उनके जैसे कम्युनिटी के दूसरे लीडर्स भी हैं, दूसरे कम्युनिटी के लीडर्स हैं, दूसरे दलित लीडर्स हैं, उनको दिया होता, पर्याप्त स्पेस दिया होता, पर्याप्त उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती, उनको आगे आने के लिए जो उनकी जैसे कि कहते हैं ना कि जितनी हिस्सेदारी, जितना पॉपुलेशन उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से अगर वो शुरुआत से करते, अगर नहीं भी करते, पिछले 10 साल में समय बहुत, 10 साल का समय बहुत कम नहीं होता है, काफ़ी होता है, समझकर अपनी गलती को समझकर अगर उसको सही करने की कोशिश करते तो काफ़ी चेंजेस हो सकते थे, काफ़ी मतलब यू नो इम्पैक्ट आ सकता था, जितना इम्पैक्ट है अभी है नहीं फिलहाल। और जैसा कि हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे कि प्रतीकात्मक राजनीति का इम्पोर्टेंस है अपने आप में, इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या वो किसी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या आप किसी पोजिशन के ऊपर हो, सब लोग इतिहास पढ़ नहीं सकते लेकिन मूर्तियों से इतिहास समझ लेते हैं। और एक विजिबिलिटी भी आती है ना मूर्तियों से, या फिर जैसे कभी हम लोग यहाँ पे अम्बेडकर पार्क है या फिर कहीं कुछ, इतने बड़े एक स्पेस से एक विजिबिलिटी आती है कि क्यों है एक जगह का नाम अम्बेडकर पार्क क्यों है, या इसमें इतनी बड़ी मूर्ति अम्बेडकर जी की क्यों है, तो उससे एक क्यूरोसिटी डेवलप होती है, तो उसकी अपनी उसका अपना इंपॉर्टेंस है। और साथ साथ जैसे मान लीजिए नॉट जस्ट वैसे जैसे कि मैं कह रही थी सिर्फ मूर्तियों का ही नहीं, मान लीजिए आप पार्टी में भी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आप किसी दलित ओबीसी को रख रहे हैं, उनको पोजीशन दे रहे हैं, वो भी एक प्रतीकात्मक रूप से एक इम्पोर्टेंट वो है, जो कि मुझे लगता है जो कुंजी भाजपा समझ रही है, उसमें भी हाँ नारों में है। और अगर शुरुआती तौर पर ही मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पोजीशन दे देने से काफी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, खुद ही प्रेसिडेंट है, पार्टी के प्रेसिडेंट अभी, लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं होगा, उनको स्टार्ट वहां से करें और डेफिनेटली दे हैव टू पुट इट percolated down this ideology down into their एकदम absolute basis, कार्यकर्ता लेवल तक उनको ये काम लाना ही पड़ेगा। आशुतोष ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, चलिए साइंस वालों से कब हमारी बात होती है, लेकिन मुझे संप्रदन में था कि आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पूरा जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखना है?
आप छात्रों से मिलते भी हैं, कलीग से मिलते हैं? छात्रों की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है जी, और आज के समय में ये थोड़ा सा डिटैचमेंट भी हो गया युवा पीढ़ी का। ये एक बड़ा कारण है कि जो बच्चे हम लोग के समय में, हम लोग जिस तरीके से आंदोलनों के साथ जुड़ते रहे, बच्चे अब नहीं जुड़ते उस तरीके से, उनके अलग तरीके के प्रभाव। मैं इसको मतलब एक, हम लोग क्या सर, एक जब आप ECG कराने जाते हैं तो अप एंड डाउन आता रहता है, हाँ। वो लाइफ लाइन की तरह काम करता है। जो मैंने महसूस किया है कि मैं सर गांव से आता हूं, तो गांव में मैं देखा हूं कि दो तरीके की राजनीति चलती है। एक यहां पे यूपी में एक शब्द यूज़ करते हैं भोकाल, बारह गाड़ी और उसमें तो बंदूकधारी, और जब वो, और उस व्यक्ति को बड़ा महत्व मिलता था, उसे आदर बहुत मिलता था, और उसको सब शादियों में बुलाया जाता था, लोग बड़ा उससे डरता था, प्रभाव प्रभावशाली। अब ऐसा है नहीं, क्योंकि तो अब उससे सिर्फ नहीं चलेगा, मतलब आप भोकाल वाला आदमी, मतलब मेरा मानना है कि आप अपने लोग, मतलब अगर ग्राउंड लेवल पे जा करके ये देखें कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसमें कौन सा व्यक्ति किस तरीके से बेहतर रहेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। जो वैसे तो कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट सर कनेक्ट, कोई कारण नहीं से नहीं चलेगा। आप जैसे उसको ऐसे समझ लीजिए कि चिट्ठी एक शासन से जारी हुई, उसको किसी सचिव के पास भेजा गया, फिर उसको सचिव की समझ में नहीं आया इसको किसको भेजा जाए, तो उन्होंने अपने नीचे वाले भेज दिया, उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने सबको भेज दिया, सबकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने आप, फिर फाइनली वो चिट्ठी एक ऐसे पटल में पड़ी थी जिसका किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं। तो आप जो बना रहे हैं और बता रहे हैं उसको जाके देखना पड़ेगा, उसने चप्पल घसनी पड़ती सर, जो घस लेगा वो रिजल्ट देगा। चलिए, मछली बहुत शानदार था और एकदम ताज़ा, लोकल तालाब से था और चलते चलते जरा बहुत साहब से एक बार फिर जो है चर्चा कर लूँ। अब तो क्या है, अब दलित लोग तो उत्तराधिकार घोषित कर रहा है, उत्तराधिकार तो राजा महाराजा लोग घोषित करता था, हैं तो क्या जो है अब दलित एजेंडा से गायब हो गया है क्या, ये एजेंडा से गायब हो गया क्या दलित? देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी आंदोलन एजेंडा गायब है, सिर्फ नेता बनना है, हुक्मरान बनना है, किस दिशा में दलित राजनीति है? क्योंकि आप दलित समुदाय से भी आते हैं इसलिए आप बारीकी चीज़ देखते हैं, समझते हैं जी। असल में देखिए ऐसा है ना, इसको आप इस 30-40 साल के दलित राजनीति को दो पार्ट में समझ सकते हैं। इसको जो माननीय साहब का अपना एक जो अभियान चला, जो जन आंदोलन रहा, और उसमें लाखों की संख्या में लोग जो है घर बार छोड़ करके, क्योंकि वो घर बार छोड़ के आए थे, तो इस तरीके से मुझे आज बताएं आपको साहब, हम लोग उसमें बहुत नज़दीकी रहे माननीय साहब के, मैं IIT से MTech करने के बाद भी नौकरी नहीं किया, इसलिए कि हमारा मसीहा नौकरी छोड़ के आया था, है तो ये था कि इसमें हम इस अभियान में जुटेंगे। हमारे जैसे लाखों लोग ऐसे रहे जिन्होंने जो मजदूरी करते थे मजदूरी छोड़ के आंदोलन में कूद गए, समझ, और उनके बच्चे आज भी जो है ना तो पढ़ाई कर पाए, ना किसी तरीके से वो सेट नहीं हो पाए। जो वो आदमी जब दिहाड़ी किया होता, सब्जी बेचा होता, तभी उसका परिवार सही रहा होगा, वो आखिरी समय तक समझ लीजिए जलाने के पैसे तक, कफन तक की स्थिति खराब हो, इतना खराब रहा माहौल। लेकिन माननीय साहब ने सनका दिया और उस आंदोलन में सब लोग कूदे, एक बहुत बड़ा एक कैडर खड़ा हुआ। और उसके बाद जो बहन जी के हाथ में सत्ता आई, तो बहन जी ने चार बिंदुओं पर काम किया, आपको बता दूं। बहन जी ने क्या किया, सबसे पहले उनका दिमाग उस पर काम किया। देखिए जो मनुवादी लोग थे कांसीराम से बहुत घबराते थे, वो जानते थे कि ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया बुद्ध अम्बेडकर का, इससे निपटा कैसे जाएगा, तो उनकी कमजोरी खोजते थे। तो कमजोरी में देखे कि इस व्यक्ति के पास कोई कमजोरी ही नहीं है, जो ना तो अकाउंट अपना रखा है, ना तो शादी किया है, ना परिवार बसा है, तो क्या कमजोरी हो सकती है। फिर उन लोगों ने देखा कि ये बहन मायावती को अपना जो है ये मानते बहुत है, जो दूसरे ग्रेड के नेता उन्होंने पैदा किया था, तो उसमें बहन जी को लीड करने के लिए कहा। तब वो समझ गए कि अब बहन जी की कमजोरी खोजो, तब वहीं से आंदोलन फेल होगा। तो बहन जी की कमजोरी खोजते खोजते मनुवादियों ने खोज लिया कि बहन जी धन की बहुत ज़्यादा लालची है, ये आपको बता दें क्लियर है। और जब बहन जी के हाथ में सत्ता आई तो वही जन आंदोलन धन आंदोलन में बदल दिया बहन जी ने। और आज की डेट में तो बहन जी ने तीन चीज़ों पे काम किया, आपको बता दें। पहले तो कांसीराम ने जितने नेता तैयार किए थे
उन नेताओं को मुखबिरी करा करा कि एक की शिकायत दूसरे से कराती थी, दूसरे की तीसरे से कराती थी, अब उसको पार्टी से निकाल दिया ताकि फाउंडर मेंबर कोई भी राजनीति में न रहने पाए। और ये सारा खेल खेला गया आकाश आनंद के लिए, क्योंकि उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय रमाबाई में 20 आप जो है ना दलित मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं जी, और आप दलित मूवमेंट को इक्वेट कर रहे हैं सिर्फ बसपा आंदोलन से। देखिए केंद्र की राजनीति में कांशीराम जी का एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जी जी। केंद्र की राजनीति में एक भी पॉलिसी एजेंडा सेटिंग पार्टी नहीं कर पाई। जी 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 कर पाई उत्तर प्रदेश में काम हुआ तो उत्तर प्रदेश देश नहीं है ना, नहीं नहीं है, कहीं दलित आंदोलन वामपंथ के साथ गया, कहीं किसी और पार्टी के साथ गया, किसी और विचारधारा के साथ गया। जी 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 लेकिन मिला जुला के शिक्षा, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, शिक्षा IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, अब इतने महंगे हो रहे कि पढ़ नहीं सकते हैं। जी 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 तो एजेंडा दलित आंदोलन गायब है, अब एजेंडा गायब है, क्या दलित समाज सिर्फ नेता पे आश्रित रह के ही आंदोलन चलाएगा कि अपने बच्चों का भविष्य भी सोचेगा, ये सवाल पूछ रहा हूँ जी। बसपा क्या कर रही, छोड़िए सब, जैसे परिवार के माध्यम से ही भारत में लोकशाही चलेगी मान लीजिए, जी 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 दुनिया में भी है जी जी, है ना, उनके बेटा भी बुश साहब के बेटा भी राष्ट्रपति बने थे और कनाडा में भी है जी जी, तो उसपे वो ठीक है उनको जो चलाना हो जो होगा, हम समाज और आंदोलन की बात कर रहे हैं किस दिशा में क्या करना चाहिए दलितों को, ये सवाल है ना। देखिए अभी होना ही चाहिए था, वर्तमान जो समय राजनीति चल रही है उसमें ये होना चाहिए था कि जैसे कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में तो दो ही पार्टी है ना, तो जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि वो मानसिक गुलाम बनाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो सारे संस्थानों को बेच रहे हैं, वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, जितना नौकरियां लाखों की संख्या में कांग्रेस ने दिया था, जो एक मिडिल क्लास पैदा हुआ था उसको नष्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमको दो परिप्रेक्ष्य में सोचना है कि जो बीजेपी को नहीं चाह रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने नौकरियां दिया है, लेकिन कांग्रेस से भी दलित समुदाय एक तय कर ले, ये नहीं है कि काम किया है ठीक है लेकिन अब काम करेगी कि नहीं करेगी। आप ही कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी राहुल गांधी का बात नहीं मान रहा है, एकदम वही बात, तो कांग्रेस एजेंडा तय करेगी तब ना, एकदम एकदम जो है वो एजेंडा तय करे कि भाई ठीक है कि आपको वोट दिया जाए ठीक है, लेकिन आप कोई एजेंडा सेट कर दीजिए कि हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, है कि नहीं है। और वह चीज अभी लागू होना चाहिए कि जितने संगठन के पद हैं, जिले में जितने जिलाध्यक्ष हैं, जितने विधानसभा अध्यक्ष हैं, जितने सचिव हैं, जितने महासचिव, पार्टी लाइन भी अलग है। मैं ये कह रहा हूँ दलित समाज को, इस मिडिल क्लास को जी, जो IAS बने थे, इंजीनियर बने थे, उनके बच्चे अब नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, नहीं तो बन पाएंगे। समाज को क्या एजेंडा तय करना चाहिए, समाज तो नेता के पीछे पागल है जी 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 जी, तो उनको अपने एजेंडा को पुश करना चाहिए, एकदम एजेंडा तैयार करके। और वह जो है जो भी रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में आने वाली पार्टी, हम जिस पार्टी को वोट करें उससे एजेंडा सेट कर लें कि हम इस मुद्दे पे यदि ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए तो मछली भात और दलितों की कुछ समस्याएं हैं, ये चर्चा विशेष था, और चर्चा जब होगी अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और विचार भी आएगा, बगैर भोजन के भजन नहीं होता है। तो बॉस साहब ने अच्छा खाना खिलाया है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि पीड़ित लोग आंदोलन दुनिया भर में मिडिल क्लास से ही लीडरशिप उभरता है, आंदोलन वहीं से जन्म लेता है, इनके पास कुछ नहीं है, वो दिन रात अपने रोटी का सोचते हैं, आंदोलन की कहाँ से सोचेंगे। लेकिन जिम्मेदारी वैसे लोगों की है जो ठीक ठाक रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कार में चल रहे हैं, कि वो डरे नहीं और समाज को जागृत करें। सब लोग नेता नहीं बन सकता है, कुछ लोग बन सकते हैं, लेकिन समाज उस पर एक प्रेशर, एक मोरल, एक सोशल प्रेशर जरूर डाले, तभी आपके हकूक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। शुक्रिया बॉस साहब, बहुत शानदार खाना मुझे और हमारे दोस्तों को भी आपने खिलाया। फिर लखनऊ आएंगे तो फिर इनसे चर्चा होगी, और जो किसी को घर और चाहिए तो इनको संपर्क कर लीजिएगा, जमीन चाहिए संपर्क कर लीजिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।